क्या आंखें बंद कर लेने से, ये विरोध दिखाई नहीं देने से कि अब तो दिख ही नहीं रहा तो क्या विरोध है, ऐसे होगा इसका सलूशन या फिर आपके मन में कुछ है? सबसे पहले तो मैं सुन रहा था उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी आगे आ गई हैं, मजबूत हो रही हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मजबूत हो गई हैं। और मेरा दिल जानता है कि जब हलाला पे प्रदर्शन होगा तो ये महिला जरूर निकलेंगी, जब बहुविवाह पे होगा तो ये सारी मुस्लिम महिलाएं बाहर आएंगी और प्रदर्शन करेंगी कि हलाला और बहुविवाह मुस्लिम समाज से खत्म कर दिया जाए, ये मेरा विश्वास है। बड़ी बात यह है, अभी तो नागरिकता कानून पे मैं आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है कि आज मुस्लिम महिलाएं इतना सशक्त अपने आप को समझ रही हैं। अंजना जी आप मुझे बताइए, वहां नारे लग रहे हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो मैं अपने सारे भारत के दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि जिन्ना वाली आजादी चाहिए तो भैया पाकिस्तान जाओ, क्योंकि भारत तो आजाद 1947 में हुआ था। जहां तक आपने सीएए की बात करी, देश में कानून, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए मैं आपको टोक रही हूं, जेएनयू वाली आजादी की बात की गई थी और उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन है और जीने वाली आजादी, हाँ। जिसको जिन्ना की आजादी, सर आपकी तबीयत का बात बोल रही हूँ तो हाँ अच्छी लग रही है। अच्छा कोई कोई लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअली थोड़ा हम लोग करेक्ट है, मेरे सवाल तक अभी आप पहुंचे भी नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग इतना बड़ा हॉटस्पॉट हो गया है, एक महीना से ज्यादा हो गया है, देश भर में ऐसे अलग अलग जगहों पर है, क्या आपकी सरकार को ये दिख रहा है या आपकी आंखें बंद है? आप प्रदर्शन पे मैं उत्तर दे दूं जो आपने पूछा, एक महीने से चल रहा है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि जो कानून पारित होगा वो पार्लियामेंट में होगा और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर है कि यह संविधानिक है या नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि भारत का कानून सड़कों पे पारित हो? ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात आप मुझे बताइए, हर नागरिक के अधिकार बराबर है, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अधिकार क्या उनसे ऊपर है जो 1.5 लाख लोग जाना चाहते हैं उस रोड से और वो रोड बंद हो रखी है, वहां पे अपोलो अस्पताल भी है और भी अस्पताल है, किसी का अगर भाई बंधु बीमार है और वो अस्पताल जाना चाहता है, इनको क्या हक है कि वो रोड रोक ले? तीसरी बड़ी बात जो मैं आपसे कहने आ रहा हूं, नारे तो ये भी लगे हैं जेएनयू से लेके शाहीन बाग तक, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अरे वर्दी है तो हम लोग सुरक्षित हैं, और वर्दी के खिलाफ ये जो नारे लग रहे हैं इसका ओरिजिनेशन जो है वो पाकिस्तान से हुआ है। अंजना जी मैं केवल इतना कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में आस्था रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो सीए आया है आप देखिए भ्रम कितना है, क्या सीए किसी की नागरिकता ले सकता है? अरे जो भारतीय मुस्लिम है, मोदी जी ने कहा है कि आपके हक में कोई कटौती हो ही नहीं सकती है, तो फिर क्या अपने देश के प्रधानमंत्री पे आपको विश्वास नहीं है? ये बड़ा सवाल है, उनसे पूछिए ना सर जाकर। दोनों तस्वीरें दिखाइए, दोनों रिपोर्टर्स हमारे जो मौजूद है, मुनीश हमारे साथ शाहीन बाग से है और रोहित हमारे सहयोगी पटना से है। हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसे ही आंदोलन की बदौलत, आपने देखा आपके बगल में जो आशुतोष जी खड़े हैं, हालांकि अब वो आम आदमी पार्टी में नहीं है लेकिन उनकी सरकार बनी दिल्ली में, ऐसे ही आंदोलन के बल बूते लोग विरोध की आवाज जाहिर करते हैं। तो आप ये बार बार कह दीजिए कि नहीं ये तो शाहीन बाग है, ये तो एक इलाका है, यहाँ आशुतोष जी है, बड़े विद्वान है। मैं तो केवल एक प्रश्न करूंगा, ये जो सीए में कह रहे हैं कि हमारे पास कागज नहीं है और देश से निकाला जाएगा, क्या सीए ऐसी कोई बात करता है? मैं पूछ रहा हूँ इनसे, और इनकी आपत्ति क्या है ये बता दे। रोहित को दिखाइएगा, उनके पास चलेंगे ग्राउंड रिपोर्ट लेने। बताइए सर क्यों डरा रहे हैं आप लोग सबको? नहीं ये तो हलाला के बारे में बात कर रहे हैं, बहु विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो दहेज के बारे में भी बात करिए, और गरीबों के दलितों के कानून है देश में, दहेज के लिए कानून है, आप बोले थे बिल्कुल, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कानून एक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि लाया गया है। थोड़ी मेरी वृंदावन में अपनी जो वीडियो के लिए भी कार्य हो रहा है, योगी जी की सरकार कर रही है, आपको चिंता होने लगी, अच्छा है। चीन से फरमान, चीन से बात कर रहे थे फोन पे, वो वृंदावन वाली विधवाओं के लिए कुछ कहना है या चुप ही रहना? मुझे चीन से बात नहीं करनी पड़ती, जैसे आप बोलते हैं अगली बार ट्रंप सरकार, हम ऐसे नहीं है, अगली बार ट्रंप सरकार भी नहीं होगी ना आपकी होगी। ठीक है आशुतोष, बेसिक सवाल क्या है? बेसिक सवाल यह है कि मैं कहता हूं कि कहीं 10 लोग भी बैठे हुए, मान लीजिए 10 लोग ही बैठे हुए, क्या देश की लोकतांत्रिक सरकार उनसे बात करेगी या बात नहीं करेगी, या उनको सिर्फ डिस्क्रेडिट करेगी, कंडेम करेगी, या सिर्फ झूठ फैलाएगी पूरे देश के अंदर की जिन्ना वाली सरकार? अरे एक आप सरकार के अंदर हो, आप सत्ताधारी पार्टी हो, आप कम से कम सच बोलो ना, जिन्ना वाली पार्टी, जिन्ना वाली आजादी, ये आप क्यों कहते हो इस बात को? दूसरी बात, एक बात समझिए कि जब ये कौन लोग सड़कों के ऊपर, राहुल गांधी सड़कों के ऊपर नहीं है,
अखिलेश यादव सड़कों के ऊपर नहीं है, ये वहां के नागरिक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं जो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इस देश के अंदर संवेदनशील सरकार होती तो निश्चित तौर पर सरकार जाती, उनसे बात करती। मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि मेरी जो मुस्लिम बहनें हैं, बहनें जब बैठी हुई हैं तो आपको उनकी चिंता नहीं है, और आप कहते हो कि वो डेढ़, तो भाई मुझे ये बता दो कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तब लोगों को तकलीफ हुई थी कि नहीं तकलीफ हुई थी, तब आपने सवाल नहीं खड़ा किया? जब गांधी जी का सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था तब आपने सवाल खड़ा नहीं किया? वैसे आप आजादी की लड़ाई में आप लोगों ने हिस्सा भी नहीं लिया। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तब आप लोगों ने कोई 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 सवाल खड़े नहीं किया? आज सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सरकार के अंदर हो और आपको संवेदनशील होना चाहिए। अगर इस देश सोनिया गांधी ने लिया था, इसका मैं जानता हूं, सोनिया गांधी खड़ी थी, मैं भारत को आजाद करना चाहती हूं, सोनिया गांधी खड़ी थी, मुझे पता है। कोई बात नहीं।